हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दी हैं और तुम इस गेम की स्टोरी के साथ साथ नहीं चल रहे, तो जल्दी से जाओ, जाके वो सारी की सारी वीडियोस देखो, उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे कि तुम लोगों को यार लास्ट टाइम पता ही है, जो लास्ट एपिसोड थी उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बाइकर गैंग का खात्मा किया था और बड़ी मुश्किल से किया था। वहाँ पे जो है ना उनको लड़की हो गया था, तो उनके जितने ट्रेलर थे उनके ऊपर हम लोगों ने बम लगाया और हम लोग वहाँ पे जो है ना वहाँ से हम लोग भाग गए थे। अब क्योंकि हम निकले माइकल जाने के तालीम भैया से मिलने के लिए थे, मगर रास्ते में वो पड़ता था, तो हमने कहा यार चलो जाते जाते इस काम को भी पूरा करते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि उस एरिया पूरे के ऊपर होल्ड रखने के लिए ज़रूरी था कि जो है ना बाइकर गैंग का खात्मा होता। तो बस अभी वहाँ से हम लोगों ने वो किया फिनिश मिशन। अगर तुम लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखी तो देखो यार, बड़ी मज़े की एपिसोड है। और इसके अलावा जो है सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो तुम लोग अवेयर हो और इस गेम को खेलने के अंदर देखने के अंदर मजा। तो अभी खैर हम लोग निकल पड़े हैं लॉस एंजल्स के लिए, जहाँ पे जो है ना कालीन भैया रहते हैं, यानी जो माइकल और ये जो हमारे साथ बैठा हुआ है जिसको हम लोगों ने लिया था, जिसने कालीन भैया की जो है ना रैकी की थी और बताया था कि जी ये फलां फलां जगह पे रहता है, इसका कज़न भी लॉस एंजल्स में रहता है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं ताकि जो है ना हम ये जो इसके कज़न की तरफ स्टे कर सकें, क्योंकि हमारे यानी कि राजा भैया के घर से लॉस एंजल्स का काफ़ी ज़्यादा जो है ना सफ़र है। तो अब हर बारी तो हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते, तो एक बारी जब हमारा माइकल के साथ सारे मामला क्लियर होंगे तो फिर हम जो है ना वहाँ से निकल चलेंगे। अभी यहाँ पे खैर गाड़ी जीप चला चला के मैं थक गया था, तो मैंने कहा यार कोई और गाड़ी ले। और ये फिर राजा भैया का स्टाइल है कि वो इस तरह तो गाड़ी लेते कोई नहीं है, कोई ना कोई गाड़ी छीनते ही है। खैर अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे जो है ना हमें वहाँ पे वो सामने नज़र आने लग गया, जिस तरह वो लॉस एंजल्स की सारी लाइट्स वगैरह चल रही अब जो है ना। इसकी हम इतनी बातें इसीलिए सुन रहे हैं कि हमने इसके कज़न के घर के ऊपर कब्जा जमाना होता जाना है, और वहाँ पे अब पता नहीं हमें कितने दिन रहना पड़ सकता। शुक्र है इसने भी बोलना बंद किया। ये देखो अभी नज़ारे कराते हैं तुम्हें लॉस एंजल्स के, सही फिट व्यू है यार। यहाँ पे वैसे राजा भैया का घर होना चाहिए। कोई नहीं, अभी तो खैर अभी तरक्की के राह में कामजन है राजा भैया। जब इनकी तरक्की हो जाएगी तो हम इसी तरह के किसी एरिया पे घर लेंगे, जिस तरह वो पीछे भी तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस जगह से फिर जो है ना अपने टेरेस से ये सारे व्यूज एंजॉय करेंगे। अब राजा भैया का जो है ना माइकल के साथ 36 का आंकड़ा है, और वो कहते हैं कि भाई मुझे देखो, मैं किधर डेजर्ट में रह रहा हूँ, कितने बुरे हालात हैं मेरे, और ये कालीन भैया को यानी कि माइकल को देखो कितने मजे का है। तो दरअसल जो इन्होंने पहली एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा, एक जगह से वो ड्रग्स लेकर ये लोग यहाँ पे थे, तो जिसमें ये जो है ना आखिर में पुलिस पकड़ गई थी, तो ये सारे लोग सेपरेट हो गए थे। तो जो है ना इसको ये शक है कि जो माइकल है यानी कि कालीन भैया, उसने जो है ना वो जो ड्रग्स हैं उस टाइम किधर छुपा दिए थे और अपनी डेथ भी फेक की थी, और फिर उसके बाद में जो है ना जाके उन ड्रग्स को निकाला और निकाल के ये जो है इस सिटी के ऊपर आके उसने अपना ये सारी चीज़ें
परचेज किए हैं उस पैसे से, जबकि उस सारे पैसे की वजह से इनको जो है ना भागना भी पड़ा और इनके ये हालात हो गए, खास तौर पर राधे भैया के। तो जो है ना अब यही मालूम करने के लिए जो राजा भैया वो सख्त बेताब हैं कि भाई जाएं और जाके देखें कि असल गेम चल क्या रही है। तो जितनी रात हो गई है, कितना लंबा हम सफ़र भी कर कर आए हैं, तो आज तो हम जो है ना इसी जो हमारे साथ जंकीज के कजन के घर ही स्टे करेंगे, तो कल हम जाएंगे जाके जो है ना कालीन भैया यानी के माइकल से मिलेंगे और देखेंगे उसका घर और बाकी के मामला को वो इन चक्रों में। और जिस तरह का ये है ना जो हमारे साथ बैठा हुआ, पता नहीं इसका कजन इसके लिए खोलता भी है घर अपना या नहीं, ये भी अभी जाके हमें पता लगेगा, देखो क्या बनता। बाकी यार अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनसे अवेयर रह सको। और बाकी जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी प्रीवियस एपिसोड हैं उन सारी को देखो वन बाय वन, ताकि जो है ना तुम लोगों को सारी गेम की स्टोरी पता लगे। बहुत मज़े की स्टोरी है, और तो ताकि जब तुम दोबारा ये एपिसोड देखो तो तुम्हें पता हो कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। अभी खैर ये गया अपने कजन के पास, ये तो दरवाजे पे खड़ा हुआ से कह रहा था, उसने खोला ही नहीं है। फिर राजा भैया गए, दरवाजा तोड़ा और अंदर, एज यूजुअल जो राजा भैया का स्टाइल है। नो नॉट समवेयर हियर, ही इज गोना स्मोक मेथ हियर, गिव मी अ फकिंग लाइटर। You can't smoke here. घर यार इसके कजन का अच्छा, मगर वो कहता है कि यार ये मेरा घर है ही नहीं है, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका घर है, तो अगर उसको पता लगेगा जिसकी वो पीछे तस्वीर लगी हुई है तो वो तो बहुत शोर डालेगी। ठीक है, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भाई जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करो कि हम आगे आने वाली जो स्टोरीज प्लान कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या करें। अगर तुम लोग सजेशंस दोगे तो मैं उनको ज़रूर देखूंगा और उस तरह तुम लोगों को गेम प्ले करके दूंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।